हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल तमोरी ट्यूटर पर। आज का ये लेक्चर हमारा कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सीखने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगा। बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि इसके कैसे फैक्टर करें कि बीच वाला आ जाए। तो इसमें मैं एक आपको प्रॉपर एल्गोरिथम बताऊंगा, उसको आपने फॉलो किया तो हर एक क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, पक्का मेरा वादा है आपसे। और इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करना सीख चुके हैं, जो रूट वाले होते हैं या फिर इस वाले टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हमने सीखा है। वो वीडियो देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आपका स्टार्ट करते हैं ना। ये तो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको हटा देते हैं और उसे करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आपको ये वाला करना है तो मेरी बात अच्छे से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। इस वाले के लिए आपको क्या करना होगा, जो ये वाला लास्ट वाला टर्म है ये तो कांस्टेंट टर्म होता है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा। बस हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए होती है, मतलब कांस्टेंट टर्म को बताने के लिए, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है। फिर छोड़ दी बात, सारी बात सीधी बात, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको हमें फैक्टर करने होते हैं। इसके हमें फैक्टर करने होते हैं, मतलब इसको हमें दो ब्रैकेट में लाना होता है, कैसे भी करके दो ब्रैकेट बन जाए इसके, या फिर दो बार की मल्टीप्लाई में आ जाए, एक के साथ एक मल्टीप्लाई में आ जाए, हमको ये करना होता है। नहीं समझ में, अभी देखिए हम करते हैं तो बताते चलते हैं। देखिए जैसे हमारा ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, हमको ऐसे लाना होता है, एक ब्रैकेट दो ब्रैकेट, मतलब दो हमें मल्टीप्लाई में टर्म लाने होते हैं। अब इन दो का एक बार आप प्लस करके देखिए, एक बार इसमें से इसको माइनस करके देखिए, एक बार इसमें से इसको माइनस करके देखिए, इन तीनों में से डेफिनेटली किसी एक में बीच वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, पक्का कह रहा हूँ, ये जो ए प्लस माइनस माइनस है, एक बार दोनों को प्लस करना, एक बार इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना है, या फिर इसमें से एक बार इसको माइनस करना है, इसमें से किसी ना किसी में आपका ये बीच वाला कौन जो मिडल टर्म होता है वो आपका आना आना है। ठीक है, अब देखिए जैसे a प्लस बी है, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, हमने इसको इसको ऐड किया, ऐड किया तो b से b चला गया, क्या आ गया हमारा 2a, है ना, 2a आ गया। अच्छे से देखो बीच में क्या है, 4ax है, x को हटाएंगे तो क्या है 4a, ये क्या है 2a, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ ना। और 2a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, है ना। क्या किया मैंने, इसको मैंने उसमें तोड़ लिया अलग, 2 इंटू 2a। आपको हर एक क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा कि जो बीच वाला नंबर होगा उसके कुछ मल्टीप्लाई में करना आ रहा होगा, उस मल्टीप्लाई से तोड़ के ये चीज लानी पड़ेगी। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा, थोड़ा सबर कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस, लेकिन अभी समझिए मैंने क्या किया, 4ax में से 2 into 2ax लिख लिया, क्योंकि मेरे पास 2a की वैल्यू आ गई है। 2a की वैल्यू क्या है, a plus b plus a minus b, है ना। तो मैं यही करता हूँ, अब क्या करते हैं इसको पुट कर देते हैं, अबे 4x square minus 2, ये ब्रैकेट बनाया, 2a की वैल्यू क्या है, a plus b plus a minus b into x, ठीक है, plus a square minus b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना बच्चों। अब देखिए इसके बाद 4x स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, अभी 2 का नहीं, अभी हम x का करते हैं, अभी 2 हमारा ये बाहर है, उधर से x मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख लूं a प्लस बी एंड a माइनस बी। हमको कॉमन निकालना होता है, कुछ कॉमन के लिए क्या है, इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा, इसको फैक्टर्स में लिखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में करना है आपको। अभी करना 2 का मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर माइनस 2 a प्लस बी एक्स माइनस 2 a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 0। देखिए कैसे हो, ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 यहां पे माइनस 2 हो गया, माइनस का 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ऐसे मल्टीप्लाई होता है एक बार इसमें और एक बार इसमें, ऐसे दो मल्टीप्लाई, तो ये किया एक बार इसमें, किया एक बार इसमें किया। अब देखिए आपकी ये दो टर्म है और ये दो टर्म है ना, और इन दो टर्म में से हमको कॉमन निकालना होता है। तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x, फर्स्ट टर्म में x तो हमेशा आता आता है, और एक आ रहा है 2, तो 2x मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा हमारा 2x
ओके, टू एक्स कौन बचा ना, एक्स वन निकल गया, टू बचा, माइनस टू ऑलरेडी निकल गया, एक्स निकल गया, ए प्लस बी, और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक, अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो देखिए मैंने इसको ऑलरेडी इसमें लिख लिया था क्योंकि मुझे पता था कॉमन निकालने के लिए करना पड़ेगा, फैक्टर हमेशा लिखना है। तो देखो एक तो टू नहीं है, एक्स नहीं है, ए माइनस बी है, ए माइनस बी कॉमन है, ए माइनस बी मैंने निकाल लिया, ए माइनस बी निकाला, अंदर क्या बचा, माइनस टू एक्स प्लस ए प्लस बी। मैंने बताया था अगर आप सही कर रहे होंगे, इससे पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आप सही कर रहे होंगे किसी भी क्वेश्चन को तो आपको इसी स्टेप में पता चलेगा आप सही कर रहे हो या गलत। अगर आप सही कर रहे होते तो ये चीज तो अपनों की सेम आती, ये चीज सेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये कैसा कॉमन लिया है, बाहर प्लस का, लेकिन हमको प्लस का ना लेते हुए माइनस का लेना था। पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से इस चीज को मैंने समझाया है, आपको वो लेक्चर देखना चाहिए क्योंकि वहां से इस चीज की बेसिक बनेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब देखो ही देखो, मतलब वहां से इस चीज का बेस मिल जाएगा आपको, और वो बेस मिलना जरूरी, क्योंकि मैं यहाँ पे प्लस ले लिया तो वो गलत हो गया, मुझे यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, वहां पे बहुत अच्छे से समझाया मैंने। ठीक है, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अंदर की सारी टर्म्स सेम है, टू एक्स टू एक्स, ए प्लस बी ए प्लस बी, बस इनके साइन उल्टे हो रहे हैं, टू एक्स यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का रहा है, ए प्लस बी यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस का है, साइन उल्टे हो रहे हैं बस। तो जब साइन उल्टे होते तो हमको क्या करना होता है, ये जो बाहर का हमने जो साइन लिया उसको चेंज करना होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या प्लस कर लिया था, माइनस कर लिया, तो माइनस कर लिया तो यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, टू एक्स माइनस ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में टू एक्स माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद तो आपका सिंपल दो चीज में डिवाइड हो जाता है, एक बार इसको जीरो में सेंड करते हैं, एक बार इसको जीरो में सेंड करते हैं, उसको जीरो में भेजेंगे क्या आएगा, टू एक्स माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो अपॉन टू एक्स माइनस ए प्लस बी, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, तो क्या आएगा मेरा टू एक्स माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो, ए माइनस बी को उस साइड सेंड करेंगे, टू एक्स इक्वल्स टू माइनस का उस साइड प्लस ए प्लस बी, और ए प्लस बी को क्या करेंगे एक्स वैल्यू निकालेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू, आ गया एक जीरो, दूसरा जीरो निकालना है, दूसरे जीरो के लिए क्या किया, इसमें हमने इसको जीरो में सेंड किया, अब इस वाले पार्ट हम इसको जीरो में सेंड करेंगे, तो क्या बचेगा हमारा टू एक्स माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो अपॉन टू एक्स माइनस ए माइनस बी। बच्चों समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि आप लोगों का जो बेस है वो पिछली वीडियो में बनाया गया है, आपको वो बेस देखना चाहिए, किसी भी बिल्डिंग जब भी तो टिक पाई जब उसकी फाउंडेशन अच्छी होगी, तो फाउंडेशन पिछले वीडियो के अंदर रखी गई है इस चीज की, फिर भी इसके अंदर तो हमें डायरेक्ट कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करना है हमको, लेकिन जो बेस है वो तो आपको पिछली वीडियो से मिलेगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसको इस साइड भेज देंगे, यहाँ पे कर दूं टू एक्स माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, टू एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू, हो गया। यहाँ पे क्या था आई थिंक, हाँ ये माइनस का था, ये माइनस का, ये गलती हुई, ए माइनस बी अपॉन टू, और यहाँ पे क्या है ए प्लस बी अपॉन टू, एक ये रहा आपका जीरो और एक ये रहा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, अब हमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको भी बताएंगे, अभी इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए सबसे पहले तो मैंने क्या बताया, इसका जो लास्ट टर्म होता है उसके दो फैक्टर करने हैं आपको, दो ब्रैकेट उसके बनाने हैं, दो ब्रैकेट हर एक क्वेश्चन में बनेंगे, कुछ ऐसा टर्म दिया गया होगा जिसका कोई फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए होगा, तभी हो पाएगा सॉल्व। तो देखिए a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है ना, a की पावर 4 इधर देखिए, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकता हूं ना। अब ये क्या बन गया, इस पूरे को अब इस बार
ए कंसिडर किया जाएगा, इसे पूरे को इस बार बी कंसिडर किया जाएगा। तो अच्छे से देखें तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है ना। ए स्क्वायर तो एक टर्म है, ए स्क्वायर हमारा एक टर्म है, ए स्क्वायर तो एक टर्म है, उस ए के स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी क्या देखो तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये मान लो कैपिटल ए और ये क्या हो गया कैपिटल बी, ठीक है। तो ये कैपिटल ए का स्क्वायर हो गया, कैपिटल बी का स्क्वायर हो गया, कैपिटल ए का स्क्वायर कैपिटल माइनस कैपिटल बी का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो बनेगा। और देखिए कैपिटल ए की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया आपके दो। यही तो मैंने बोला था कि इसको किसी भी तरीके से आपको दो ब्रैकेट में लेके आना है, वही से होगा सॉल्व, वो आपके लिए लाने के लिए बहुत इजी होता है, सीबीएसई ऐसे ही क्वेश्चन देती है जो आपको सॉल्व हो सके। अब देखिए क्या करना होता है, एक बार प्लस, एक बार इसमें से इसको माइनस, एक बार इसमें से इसको माइनस, इन तीन में आपका निकल के आ जाएगा। पहले प्लस करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, क्या आया होगा टू ए स्क्वायर, तो वहां पे क्या चाहिए हमको, सिक्स बी स्क्वायर चाहिए, तो टू ए स्क्वायर तो हमारा काम का नहीं है, प्लस को रहने दो। अब इसमें से इसको माइनस करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंदर भी है ना माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, क्या आया हमारा टू बी स्क्वायर आ गया, टू बी स्क्वायर। साइन से हमको मतलब नहीं होता, हमको बस इस टर्म से मतलब होता है, यहाँ पे क्या है सिक्स बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है टू बी स्क्वायर, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, थ्री इंटू टू बी स्क्वायर सिक्स बी स्क्वायर है ना, उसे सिक्स बी स्क्वायर को थ्री इंटू टू बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। टू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है ना, समझ गए। और देखिए चलिए, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस क्या है तुम्हारा टू बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे इसको, थ्री इंटू टू बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर इक्वल्स टू जीरो। अब नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टू बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ये रहा ब्रैकेट बनाया हमने बड़ा वाला, अंदर क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स और इसकी वैल्यू ये है ना। अब देखिए अब तो सिंपल हो गया, अभी भी समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और लगाएंगे, वहां से समझ में आ जाएगा पक्का, वैसे अब तक तो आ गया होगा। नाइन एक्स स्क्वायर एक्स को से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये बी है राइटिंग थोड़ी ऐसी है। अब क्या करेंगे, थ्री का मल्टीप्लाई, तो आप देखिए मत, मैं इधर करता जाऊंगा, आप अपनी कॉपी पे करते चलिए, जहां पे गलती हो वहीं पे मैच कर लेना। माइनस थ्री अंदर किया तो माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस थ्री माइनस माइनस ये माइनस है ये माइनस 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 प्लस थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो है ना। आप वीडियो को यहाँ पे रोक दीजिए और फिर अपने आप कीजिए, इसके आगे मैं कर दूंगा, और इसे चेक कर लेना आंसर है ना, अपने आप करने का अलग ही मजा आया, अपने आप निकाल दो तो अलग खुशी होती है। अच्छा कर लिया, अब देखिए इसके साथ मैच करते चलिए, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, सबसे पहले तो एक्स तो कॉमन आना है, फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कुछ है ही नहीं, थ्री है यहाँ पे, थ्री कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचा, थ्री एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके प्लस यहाँ पे कॉमन क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कुछ कॉमन नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पे थ्री एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अधिक तो इसमें कुछ भी पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं हुआ, यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट दोनों में सेम है, थ्री एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थ्री एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब ये प्रॉब्लम होती है जब वैल्यू सेम हो लेकिन बस साइन का अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है जो हमने साइन लिया उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है ओके। अब क्या करना है, थ्री एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा थ्री एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके दो स्टेप हो जाते हैं यहां से आगे है ना, तो एक में क्या होगा
इसको जीरो में भेजेंगे, थ्री एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके जीरो अपॉन में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो कर दो, थ्री एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आगे माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था ना, तो दैट साइड टर्म माइनस क्यों आएंगे, या फिर डायरेक्ट आप चेंज करो, ये प्लस का इधर जाके ये माइनस का, ये माइनस का इधर जाके ये प्लस का, ये बी है, तो एक्स वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन थ्री है ना, और इधर से एक एक्स वैल्यू और निकलेगी, थ्री एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस के जाएगा प्लस के जाएंगे सभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे जो माइनस है ब्रैकेट के बाहर है, जब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए जो माइनस है, चलो देखो अच्छे से देखो, थ्री एक्स माइनस को अंदर भेजा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, इसमें तो लग रहा है ये ब्रैकेट के बाहर माइनस, ओनली ए के बाहर माइनस नहीं है, इक्वल टू जीरो, तो अब सारी टर्म को उधर भेजेंगे, थ्री एक्स इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन थ्री, मुझे लग रहा था यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो चीज भी यहाँ से क्लियर हो गई, एक जीरो आपका ये है, एक जीरो आपका ये, कर लीजिए नोट जल्दी से, हो गया बच्चों नोट, हटा दें इसे, ये हमारा क्वेश्चन गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे हमें, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स, ये प्लस ये क्वेश्चन है, ये सिक्स है, ये ए है, ए है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जल्दी से नोट करिएगा, कुछ भी रह गया हो तो हटा दें आप, ये क्वेश्चन भी सिंपल है लेकिन थोड़ा देखने में ये थोड़ा अजीब सा है, वो एल्गोरिथम जो मैंने बताया था वही लगेगा, पहले तो उसके हमें दो कैसे भी करके लेके आते हैं, दो मल्टीप्लाई में चाहिए, दो ब्रैकेट चाहिए हमको मल्टीप्लाई में, फिर वही से होगा सॉल्व, पहले तो हमको इसके दो ब्रैकेट लेके आने मल्टीप्लाई में है ना, ये माइनस है ठीक है, दो ब्रैकेट हमको मल्टीप्लाई में इसके लेके आने हैं और कुछ नहीं करना, अगर वो कर दिया उसके बाद तो क्वेश्चन बिल्कुल खत्म है आपको आ जाएगा, तो देखिए सबसे पहले ये इसको हमें सॉल्व करके दो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बनाना है, तो देखिए ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स, ये अच्छे से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन दीजिए, बिल्कुल अच्छे से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये ए स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जानते हो, जब हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से कॉमन ले, सब कुछ कॉमन ले तो लास्ट में आपके दो ब्रैकेट बनते हैं, ऐसे करके मैं दो बनाता था तो वहीं पर दो ब्रैकेट बनते हैं, अगर अच्छे से देखें अगर हम इसको सॉल्व करें तो वहां से भी दो ब्रैकेट मिल जाएंगे हमको, और वही तो दो ब्रैकेट चाहिए हमको, दो ब्रैकेट मिल जाएंगे उसी में प्लस माइनस करके देख लेंगे, जो आना होगा आ जाएगा ना, बात समझ में आई, मैं फिर से बोल देता हूँ क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सेकंड डिग्री इसकी टू है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो टू होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो इसकी क्या है डिग्री जो है हमारी टू है ना, तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में आते आते दो ब्रैकेट बन जाते हैं कॉमन के, है ना, थोड़ा सा पीछे करके देखा समझ में आ रहा, तो इससे पहले क्वेश्चन में लास्ट में दो ब्रैकेट बने, जब हम ये करते हैं ना ऐसे, इससे पहले यहाँ पे दो ब्रैकेट होते हैं और हमको दो ब्रैकेट तो चाहिए मल्टीप्लाई में, इसके दो ब्रैकेट आ जाएंगे फिर हम उन्हीं को सॉल्व कर लेंगे, है ना, बात समझ में आई, अब तो आगे हो गई, तो इसके दो ब्रैकेट बनाते हैं, सबसे पहले क्या होता है एल्गोरिथम, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ का क्या है वन, ये क्या है सिक्स, वन इंटू माइनस सिक्स क्या हो गया सिक्स, साइन को कंसिडर मत कीजिए, क्या आ गया सिक्स, सिक्स चाहिए हमको, सिक्स के ऐसे फैक्टर प्लस माइनस करने पर वन आ जाए, यहाँ पे वन हो गया ना, इसके प्लस माइनस करने पर वन आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर सिक्स आया, तो थ्री टू जा सिक्स होता है, और थ्री माइनस टू करेंगे तो वन आ जाएगा, तो फैक्टर तो हमारे सीधे सिंपल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू इंटू ए माइनस सिक्स, ए स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस टू ए माइनस सिक्स, यहाँ से कॉमन क्या है ए, ए प्लस थ्री, यहाँ से कॉमन क्या है माइनस का टू, तो ए प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ए माइनस टू, यहाँ से क्या आ गया ए प्लस थ्री आगे ना बच्चों, वाले दो ब्रैकेट इन्हीं दो ब्रैकेट से सॉल्व करना, बीच में फाइव चाहिए, एक्स एक्स तो हमारा वेरिएबल है, एक्स को छोड़ देते हैं, उसके एक्स को छोड़ के जो नंबर होता है हमको वो चाहिए होता है, यहाँ पे फाइव चाहिए हमको, फाइव कैसे आएगा एक बार प्लस करके देखें, ए माइनस टू प्लस ए प्लस थ्री, तो ए ए क्या हो गया टू ए और माइनस टू प्लस वन, ये तो नहीं चाहिए हमको, एक बार इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं ठीक है, सेकेंड क्या है इसमें से इसको माइनस करते हैं, देखो इसमें से इसको माइनस करें पहले, ए माइनस टू माइनस ए प्लस थ्री,
ये माइनस जब भी आता है बच्चों याद रखना, जब भी माइनस आ जाए किसी भी बड़े से नंबर के आगे तो हमेशा वहां पे ब्रैकेट लगा लेना। कोई बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है किसी ना किसी से, वो दिक्कत मिस्टेक कर जाते हैं, उस मिस्टेक से बचना तो हमेशा ब्रैकेट लगा के चलना। मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको कि हमेशा ब्रैकेट लगाए चलिए, फिर तो आप बाकी तो आपके ऊपर है। अभी भी कह रहा हूँ ब्रैकेट लगा दीजिए। ए माइनस टू, माइनस का अंदर क्या किया माइनस ए, माइनस का अंदर किया माइनस थ्री, तो ए से ए तो कट गया, क्या आ गया माइनस का फाइव। ये चाहिए क्या प्लस का फाइव, प्लस का फाइव चाहिए ना, तो हमको ये आ कैसा रहा है माइनस का फाइव। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमने अभी इसमें से इसको माइनस कर लिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया, क्या ए प्लस थ्री माइनस ए प्लस टू, नहीं ए प्लस नहीं है माइनस है, तो ए प्लस थ्री माइनस को अंदर भेजा माइनस ए, इसको अंदर भेजा प्लस टू माइनस प्लस, ए से कट गया थ्री प्लस टू फाइव। ठीक है, तो फाइव का क्या मिल गया हमको ए प्लस थ्री माइनस ए माइनस टू, ये हमको फाइव को लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर प्लस ए माइनस सिक्स को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। ओके, अब बाकी का प्रोसेस तो सेम है, अब आप वीडियो रोक दीजिए और करना चालू कर दीजिए, मैं करता जा रहा हूं आप मैच करते चलना। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस थ्री माइनस ए माइनस टू इंटू एक्स माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस टू ए प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, उधर से एक्स को अंदर किया ए प्लस थ्री एक्स माइनस ए माइनस टू एक्स माइनस ए माइनस टू ए प्लस थ्री। इन दोनों में ये तो एक टर्म है, दो टर्म बन गए, इसमें से कॉमन क्या आएगा एक्स कॉमन आया, तो बचा एक्स प्लस ए प्लस थ्री। अब देखो यहाँ पर माइनस नहीं था, इस चक्कर में इसको नॉर्मल लिख दिया, अगर माइनस होता तो मैं क्या करता दो ब्रैकेट ऐसे चेंज लगा देता, क्योंकि माइनस को डील करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो आपसे क्या, हम लोगों से हो जाती है माइनस को डील करने, हम जो हायर स्टडीज करते हैं उसमें माइनस में दिक्कत हो जाती है, एक माइनस को जो आंसर गलत करा देता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है एक्स को आता नहीं है, यहाँ पे कॉमन क्या है ए माइनस टू, ए माइनस टू साथ में माइनस भी कॉमन, इसमें माइनस भी माइनस तो माइनस तो कॉमन आना ही है। यहाँ पे क्या बचा एक्स, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया प्लस आ गया ए प्लस थ्री, अब तो प्लस में ही है सब कुछ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है माइनस माइनस की। यहाँ पे क्या आएगा एक्स माइनस ए माइनस टू, देखिए जहां भी माइनस आ रहा है मैं दो ब्रैकेट लेके चलता हूँ अंदर ऑलरेडी, इसको आप भी अपनी आदत बना लीजिए। इसके बाद दो करने होते हैं, जो दो करने होते हैं वो जो मैं ऐसे एरो बनाता हूँ वो आपको एरो नहीं बनाने, वो तो मैं आपको समझाने के लिए एरो बना देता हूँ, ऐसे एरो कॉपी में बनाने, ऐसे कॉपी के अंदर आपको ऐसे लिखना है एक्स माइनस ए माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, उधर आ जाएगा एक्स प्लस ए प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसके बाद क्या है एक्स माइनस ए माइनस टू, एक्स इक्वल्स टू ए माइनस टू आ गया, या फिर आप देख लीजिए इसको ऐसे कर लेते हैं एक्स माइनस ए माइनस माइनस प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, माइनस प्लस भेजा प्लस में भेजा, और जब इन सबको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू ए माइनस टू, और यहाँ से एक्स इक्वल्स टू प्लस की सारी चीजें सबको माइनस करेंगे तो माइनस का ए माइनस का थ्री, एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लिया ए प्लस थ्री। ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए नोट जल्दी से हटा दे इसको। अच्छा, मेरे से बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं जब कोचिंग में पढ़ाता हूँ, भैया इसके बाद ये स्टेप क्यों किया, यहाँ तक सबको समझ में कॉमन आ रहा था तो इसलिए कॉमन बाहर निकाले कि यहाँ पे ये इसको हम इस चीज को हम ये चीज लिख सकते हैं तो कर लिया, यहाँ से फिर यहाँ से भी दो कॉमन आए थे इसलिए कर लिया, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, ये मेरे से पूछे रहते हैं कि यहाँ से आपने दो अलग अलग केस क्यों बनाए। तो इसको समझ लीजिए क्या करते हैं हम इसमें, कि अच्छे से देखिए इधर दो टर्म है, दो टर्म का मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है, दो टर्म का मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है ना। तो एक बात समझना, जैसे टू इंटू थ्री लिखा मैंने, टू इंटू थ्री सिक्स होगा, थ्री इंटू एट करूं 24 होगा, एक्स इंटू टू करूं 2x होगा, अरे ये तो छोड़ ये तो बेकार, नाइन इंटू एट करूं 72 होगा, टेन इंटू वन करूं 10 होगा। तो आप भी करके देख लेना, और अगर नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू है उसकी, दूसरे वैल्यू वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा कुछ ना कुछ नंबर आएगा, ये जीरो कब आ सकता है मल्टीप्लाई करने पे, क्या ये नंबर कभी जीरो आ सकता है, नहीं आ सकता, क्या ये नंबर कभी जीरो आ सकता है, नेवर, ये कभी नेवर। तो इसी का मतलब होगा किसी भी नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई हम किसी नॉन जीरो से करेंगे
तो कभी भी जीरो नहीं आना है, लेकिन यहाँ जीरो आता है, ये इक्वल टू जीरो है ना। और जीरो कब आ सकता है, जब कोई एक नंबर जीरो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस हो तो अलग केस बनता है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में कभी नॉन जीरो मल्टीप्लाई नॉन जीरो से करेंगे तो जीरो कभी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ जीरो है। सो इसका मतलब होगा कि इन दो में से कोई एक नंबर पक्का जीरो होगा, इन दो में से या तो ये इसकी वैल्यू जीरो आ रही होगी या इसकी वैल्यू जीरो आ रहेगी। इस वजह से अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाई इसमें क्या पूरा जीरो हो गया, या फिर इसकी वैल्यू जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाई इसमें क्या पूरा जीरो हो गया। इसलिए पता लगाने के लिए, इसलिए क्या करते हैं हम एक बार इसको जीरो ले लेते हैं टाइम मेथड से, एक बार हम इसको जीरो करा लेते हैं, क्या पता इसकी वैल्यू जीरो हो तो यहाँ से एक्स निकल आता है, एक बार इसकी वैल्यू जीरो के लेते हैं यहाँ से एक्स निकल आता है। बात समझ में, हटाते इसको हटा देते हैं। बच्चों ये मैं अपने चैनल पे टर्म टू का पूरा सिलेबस ऑनलाइन ही करा दूंगा, वो भी बेस्ट बेस्ट से बेस्ट, अपना पूरा बेस्ट दूंगा, हर चीज सही एकदम एक्यूरेट हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, बस मेरे साथ होल्ड करके रखना है, मैं कराऊंगा, मेरी वीडियो थोड़ा शेयर कर देना है अच्छे से दोस्त अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनका ही भला हो सके और हमारा ही भला हो सके। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन आता है, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी और माइनस ए सी इक्वल्स टू जीरो, नहीं यहाँ पे आई थिंक बी सी है, माइनस बी सी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इंटू बी सी, ए बी स्क्वायर सी, हाँ यही है। अरे यार फिर से लिखते हैं क्वेश्चन, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी इक्वल्स टू जीरो, एक क्वेश्चन एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे एक्स हो गया, ठीक है ये क्वेश्चन है। तो देखिए अब तक क्या कर रहे थे हम, लास्ट वाला जो था उसका हम क्या करते, दो ब्रैकेट लेके आते थे, दो ब्रैकेट बनाते थे, वहां से चीजें हमारे लिए इजी हो जाती थी, सॉल्व हो जाती थी। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है लास्ट वाले का ब्रैकेट बना सके, देखिए बन सकता है क्या लास्ट वाले का ब्रैकेट, बी सी है, बी सी क्या हो सकता है, बी इंटू सी लिख सकते हैं, हमको चाहिए क्या बी स्क्वायर माइनस ए सी ए और चाहिए, आप तो बी इंटू सी लिख सकते हैं, यहां से तो कोई बात बनेगी ही नहीं है ना। तो यहाँ पर जो हमारा बेसिक फैक्टराइजेशन का तरीका होता है एकदम बेसिक लेवल वाला, वो लगाते क्या होता है फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई। और इस क्वेश्चन में तो और भी ज्यादा सिंपल है, कैसे है वो देखिए, क्या करना है सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। आप अभी पहली बार करोगे इस वजह से आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप ये मैं तरीका करा रहा हूँ इनसे आर एस अग्रवाल उठा लीजिए, आर डी शर्मा उठा लीजिए, एनसीईआरटी उठा लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल उठा लीजिए, आपके क्वेश्चन से निकल जाएंगे। अब मैं हर क्वेश्चन नहीं करा सकता, लेकिन मैं हर टाइप का क्वेश्चन करा सकता हूँ है ना, हर क्वेश्चन कराने में दिक्कत होती है लेकिन हर टाइप क्वेश्चन कराने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वीडियो कितनी बन जाए हर टाइप का करा दूंगा आपको क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको उठाते वक्त दिक्कत नहीं आएगी, आपको लगेगा नहीं कि ये क्वेश्चन क्या टाइप, तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है, हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी किया मैंने तो क्या बनेगा, ए बी इंटू बी बी स्क्वायर और सी ए बी स्क्वायर सी है ना। हमको मल्टीप्लाई करने पर, अब इसको हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने में तो ए बी स्क्वायर सी बन जाए है ना, और फैक्टराइज करने पे बीच वाला नंबर बन जाए बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। तो बच्चों एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जहां से आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, या फिर आपके लिए पहले से वो सॉल्व करके दे रखा होगा, आपको बस चेक करना है क्या ये चीज सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे या नहीं। आप अच्छे से देखो तो बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर इंटू ए सी करेंगे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर ए सी है ना। तो ये चीज आपको पहले से ही उसने सेट करके दे दी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, बस किस चीज की दिक्कत है, इतनी सी हल्का सा दिमाग लगाना है, क्या ये मेरा मल्टीप्लाई करने पे जो चीज है वही चीज आ रही है, बी स्क्वायर माइनस ए सी। देखिए यहाँ पे कोई नंबर होगा, अब तक क्या करते थे हम बीच वाला नंबर लेके आ देते, बीच वाले नंबर को किसी दो अलग अलग नंबर की फॉर्म में लिख देते थे, किसी दो अलग अलग नंबर की प्लस माइनस की फॉर्म में लिख देते। तो यहाँ पे क्या किया गया, पहले से आपको माइनस लिख के दे दिया, पहले से बस ये क्या होता है, दो नंबर में क्वेश्चन आता है बस चेक करता है बच्चे को कितना पता है, जिसको पता होगा वो कर जाएगा, या तो आप यहाँ पे पहले से ही वो चीज है,
बी सी टू ए बी क्या ए बी स्क्वायर सी। अब ए बी स्क्वायर सी के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने का ए बी स्क्वायर सी आ जाए और प्लस माइनस करने बीच का नंबर आ जाए। तो बीच का नंबर तो ऑलरेडी आपको प्लस माइनस करके दे रखा है, बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस का नंबर क्या मिलता था आपको, हमेशा नंबर मिलता था एक परफेक्ट फॉर्म में, मतलब पूरा नंबर होता था वहां पे, प्लस माइनस कुछ नहीं होता था। उसको प्लस माइनस की फॉर्म में हम लेके आते थे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस को किसी भी देख लेना आप अभी जब क्वेश्चंस करें आपके पास बगल में कोई बुक रखी हो उसमें देख लीजिए, जो नंबर है ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्म में दे रखा होता है, 5a 43 43 4a 4c, अगर अल्फाबेट में होगा तो 4c होगा, प्लस माइनस नहीं होगा। वो रूट वाला केस होता है, √3 + 1, वहां पे भी वो ऑलरेडी सॉल्व करके दे रखा होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में कराया था, √3 + 1 दे रखा होता है तो वहां पे वो ऑलरेडी सॉल्व है। तो वही चीज तो यहां पर है, ये ऑलरेडी सॉल्व है, बस इसमें हल्का सा दिमाग लगाना है। तो देखिए हो गया बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी का बी स्क्वायर का और ए सी का इंटू किया तो बी स्क्वायर ए सी मिल गया मेरे को, मतलब यही चीज है बी स्क्वायर ए सी, मतलब वो ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया है। ठीक है, बाकी का तो हमें सॉल्व करना है। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अंदर भेजा बी स्क्वायर एक्स, एक्स को अंदर भेजा माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। इसमें और इसमें कॉमन क्या है अच्छे से देखिए, एक्स तो कॉमन आना ही आना है, उसके बाद यहाँ पे बी स्क्वायर है और कुछ है नहीं, यहाँ पे बी है तो मतलब बी कॉमन है। यहाँ पे क्या हो जाए, बी बाहर निकल गया, एक्स बाहर निकल गया, ए और एक्स ए एक्स, यहाँ से एक बी बाहर निकल गया, एक्स बाहर निकल गया, क्या हो जाए बी। ठीक, यहाँ पे माइनस माइनस है तो एक माइनस तो कॉमन आना ही आना है। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पे ए सी, दोनों में सी कॉमन है तो सी बाहर आ गया, तो क्या हो जाए यहाँ पे प्लस का ए एक्स प्लस का बी इक्वल्स टू जीरो, बी एक्स माइनस सी ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद आपके दो केस, एक बार इसको जीरो के बराबर ले लिया बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, एक बार इसको बराबर जीरो के बराबर ले लिया ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, एक्स वैल्यू एक आ गई सी अपॉन बी, एक्स वैल्यू एक आ गई माइनस बी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए जल्दी से, हो गया नोट बच्चों, हटा दें क्या? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा गलत लग रहा है, मैं देख के फिर से नोट करता हूँ अच्छे से, फिर इस क्वेश्चन को वीडियो को यहीं रोक के अपने आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, जिसका सॉल्व नहीं हो वो फिर मैच कर लेना आगे चल के। क्वेश्चन है हमारा 12 ab x square 12 ab x square minus 9 a square minus 8 b square, ए स्क्वायर माइनस 8b² एक्स माइनस 6ab 6ab इक्वल टू जीरो। इसको मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया, आप वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए, चीटिंग नहीं, अच्छे से कीजिए सॉल्व। ठीक है, फिर हम तो सॉल्व कर नहीं करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 12ab इंटू 6ab मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 72, ए बी का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 72 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमको मल्टीप्लाई करने में कह दिया 72 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और बीच वाले नंबर्स को देखिए तो 9a² का मल्टीप्लाई 8b² से करूँ तो 8 9 72 होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। इसी मैच हो रही है, मतलब क्वेश्चन ऑलरेडी हमको ब्रेक फॉर्म में दे रखा है ना, जैसे मैच होगी हमारे क्वेश्चन ऑलरेडी ब्रेक फॉर्म में है, बस उसको हमको क्या करना है, एक्स का मल्टीप्लाई करना है, कॉमा लेना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब बात ये आती है भैया हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन ब्रेक फॉर्म में है, आपको तो देख के पता, आपको मतलब थोड़ा सा कर रखा है, एक्सपीरियंस भी है, 10th ऑलरेडी पास कर रखा है हमने, ठीक है तो एक्सपीरियंस भी है, तो वहां से हमको पता चल गया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा है ना, मेन चीज तो ये है। तो वो कैसे पता चलेगा हम बताते हैं। देखिए, अगर बीच वाला जो मिडल टर्म है वो आपको ऑलरेडी स्प्लिट फॉर्म में है, मतलब प्लस माइनस की फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है ना क्वेश्चन में, ऑलरेडी प्लस माइनस की फॉर्म में, तो वो क्वेश्चन पक्का आपका हाफ सॉल्व है, बीच वाले नंबर्स का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो बीच में जो नंबर प्लस माइनस में है उन्हीं का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उन्हीं से नंबर आएंगे पक्का। अब बात समझ में आ गई ना, कैसे पता चलेगा बीच वाला नंबर आपका आपको प्लस माइनस की फॉर्म में है,
तो वो नंबर आपका, वो क्वेश्चन आपका पार्शियली सीबीएसई के द्वारा सॉल्व है, मतलब पार्शियली क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व दे रखा है आपको। आपको डायरेक्ट बस इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करना है, कॉमा लेना है, सॉल्व करना है। फिर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करके दोनों को मैच करके देख लेना नंबर मैच हो रहा है कि नहीं। इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है वो बीच वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर भी आ रहा है कि नहीं, ये फिर भी चेक कर लेना एक बार, है ना। चेक करना तो जरूरी बनता है ना। तो देखिए अब हमारा ये मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, मैं चेक कर लिया, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे उसी तरीके से। कैसे सॉल्व होगा, 12 ए बी एक्स स्क्वायर माइनस लगा हुआ है, तो पहले एक्स का मल्टीप्लाई किया मैंने उधर से, 9 ए स्क्वायर एक्स माइनस 8 बी स्क्वायर एक्स माइनस 6 ए बी इक्वल्स टू 0। 12 ए बी एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर भेजा माइनस 9 ए स्क्वायर एक्स माइनस का अंदर भेजा प्लस 8 बी स्क्वायर एक्स माइनस 6 ए बी इक्वल्स टू 0। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, एक्स तो कॉमन आएगा ही आएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, मतलब ए कॉमन हो गया एक, ठीक है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, 9 और 12 किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 3 कॉमन हो गया, बचा क्या 4। ए ऑलरेडी निकल चुका है, बी और एक्स स्क्वायर में एक्स निकल चुका है, ये 4 बी एक्स, यहाँ से माइनस क्या निकल चुका है, 9 का 3 निकल चुका है, 3 ए स्क्वायर का ए एक्स निकल चुका है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या है, देखिए साइन तो भी हम डिसाइड करेंगे, पहले देखिए एक्स तो नहीं है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है तो बी कॉमन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बस ये बी कॉमन है, और यहाँ पे 8 और ये 6 है तो 2 के टेबल से 2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 के टेबल से 4 प्लस का लिया हमने तो 4 बी, और यहाँ पे माइनस का 4 2 कॉमन ले लिया 3, और बी भी बाहर आ गया तो 4 बी माइनस 3 है। अब देखिए आपका ये ब्रैकेट मैच हो गया, ये तो ब्रैकेट मैच हो गया, अगर आप सही कर लोगे तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। हर बार क्वेश्चन में बताता हूँ मैं, तो क्या हो गया 3ax प्लस 2b, 3ax प्लस 2b, और एक बार क्या आएगा 4bx माइनस 3a इक्वल्स टू 0। एक बार क्या करना है, 3ax प्लस 2b इक्वल्स टू 0 के बराबर, एक बार 4bx माइनस 3a इक्वल्स टू 0 के बराबर, 3ax इक्वल्स टू माइनस का 2b, x इक्वल्स टू माइनस 2b अपॉन 3a, और यहां से 4bx इक्वल्स टू 3a, यहां से x इक्वल्स टू 3a अपॉन 4b, ये आपके आंसर हो गए। देख लीजिए सिंपल है कि नहीं क्वेश्चन, बस हल्की सी प्रैक्टिस चाहिए आपको, मैं हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, हल्की सी प्रैक्टिस चाहिए, किसी अच्छी बुक से उठा के प्रैक्टिस कर लेना। RSRD बोथ आर सफिशियंट, बोथ आर गुड बुक, एंड NCERT तो है ही है माशाल्लाह, लेकिन फिर भी आपको NCERT के प्लस में एक साइड बुक लेके चलनी पड़ेगी, RS या RD है, NCERT एग्जाम्पल छोड़िए, RS या RD ले लीजिए। RS RD में से मैं RS बोलूँगा 10th लेवल पे, RD थोड़ी सी हाई लेवल की चली जाती है, RD भी अच्छी बुक है, बट एक्चुअली उसमें होता क्या है, RD के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़े से ऊपर लेवल के होते हैं, करना अच्छी बात है, वो क्वेश्चन आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मतलब 10th के लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैंने किया तो आड़ी से था इस चक्कर में मुझे पता है, लेकिन मेरे सर ने मुझे सजेस्ट कर दिया था आर एस से कर लो, क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर बहुत ऊपर जाते हैं, मेरे सर थे आलोक सर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, थोड़े से बाल थे उनके सर पे, बाल नहीं थे, ठीक है। अब नोट कीजिए इसको जल्दी से, हटा दें, इसके बाद क्वेश्चन आता है, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई 2005 के कंपार्टमेंट के पेपर में आ चुका है ना, तो इसको ऐसे मैं सोचना कोई हल्का वाला क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये 3 नंबर या 2 नंबर में ही आया होगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है। अब अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाइए, मैं रोक देता, आपको रोकनी चाहिए वीडियो, मैं तो यही बोल रहा हूँ, हल्का सा दिमाग लगाइए बस हल्का सा। चलिए मैं बता देता हूँ, आप हर क्वेश्चन करते हो तो हर क्वेश्चन में एक स्टेप ऐसा आता है जब आप बीच के टर्म के अंदर एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना, जैसे बीच में 3 - 2 लिखा है, फिर एक्स है तो आप क्या करते हो 3x - 2x हर क्वेश्चन में करते हो, तो क्या यहाँ पर इस बीच के टर्म में ऑलरेडी एक्स का मल्टीप्लाई नहीं दे रखा, बताइए, एक्स का मल्टीप्लाई दे रखा है ऑलरेडी, और अगर आप अच्छे से देखो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे
ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई वन क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आएगा या नहीं, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना। ये देखिए यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई, अगर मैं एक्स को कॉमन ले लूँ नेक्स्ट स्टेप में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी हुआ यहाँ पे, और यहाँ से मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। अब मैं इस नंबर मल्टीप्लाई करूँ बी स्क्वायर और ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। देखिए आपका ये नंबर तो मैच हो रहा है, मतलब कि क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर एक स्टेप और आगे दे दिया, इससे पहले दो स्टेप के अंदर सेकंड स्टेप दे देते, इसके अंदर थर्ड स्टेप दिया आपको डायरेक्ट एक्स का मल्टीप्लाई, क्या दे दिया एक्स का डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो मतलब ये क्वेश्चन, मतलब बस मैंने आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बताया था कि ऐसे एक्स कॉमन लेंगे तो इसमें दो नंबर ऐसा बनेगा, इस नंबर का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए नंबर आ रहा है कि नहीं, है ना। आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको जाहिर पता चलेगा ये नंबर है ये नंबर है, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करना आ रहा है कि नहीं, इसका इसका मल्टीप्लाई किया था इसका बीस कर आ रहा, फिर बीच में नंबर गया इसका बीस कर आ रहा, मतलब क्वेश्चन वही है ठीक है। अब क्या करना है हमको, कॉमन लेना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स क्या कॉमन है बी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है तो एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया प्लस वन, यहाँ से माइनस कॉमन, माइनस कॉमन और क्या आएगा कुछ कॉमन नहीं है तो वन, अच्छे से देखिए कुछ कॉमन नहीं ए स्क्वायर एक्स है यहाँ पे वन है तो ये क्या बचा ए स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, बी स्क्वायर एक्स माइनस वन ए स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, दो लाइन बी स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो ए स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, ये बी है बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, अब क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, तो इसको हटाइए इसको तरफ भेजेंगे माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर, आया कि नहीं आया, सिंपल एकदम। बस आपको देखना है ये कौन सा स्टेप है, उस स्टेप से नंबर निकालने की वेरीफाई हो रहा है या नहीं, सिंपल है बहुत सिंपल, नोट कर लीजिए जल्दी से, अब हटा दे बच्चों ठीक है हटा देते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिल ही जाएगा, वो क्वेश्चन टीचर्स का ही फेवरेट क्वेश्चन है, यूनिट टेस्ट क्लास टेस्ट और अक्सर प्री बोर्ड्स इन जगह दे ही देते हैं टीचर, वो टीचर्स का क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये क्या करता है, वन अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन आपको देख मिल जाएगा ये बुक के अंदर, हर बुक में मिल जाता है, हर किताब में मिल जाएगा, सिंपल पेपर में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन में करने का तरीका बिल्कुल फिक्स है, एक फिक्स तरीका है कि इसी तरीके से ही होगा सॉल्व। देखिए क्या करना होता है इस क्वेश्चन के अंदर, वन अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स, यहां से इस एक्स वाले टर्म को इधर ट्रांसफर करना होता है बस, उसके बाद तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। इस एक्स वाले टर्म को इधर ट्रांसफर किया तो माइनस का वन अपॉन एक्स हो गया, इधर क्या है वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी। अब एलसीएम लेते चलिए, बोथ साइड करते चलिए, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, सबसे पहले लेक्चर के अंदर बताया मैं इस टाइप के एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे पहले लेक्चर के अंदर क्या करना होता है, नीचे वाले टर्म का मल्टीप्लाई कर दो ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, और एक्स यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ से नीचे एलसीएम लिया तो ए बी और इधर आ गया बी प्लस ए, जिसको ये नहीं आता यहीं देख लो फर्स्ट लेक्चर में क्या जाओगे इस चीज को देखने के लिए, अगर बेसिक चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। वैसे मैं अभी बताता हूँ, जब कुछ ऐसा नंबर आ रहा हो जिसका ऐसे आपको नहीं समझ में आया तो नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो नंबर इसके नीचे उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे वन है ना तो वन इंटू एक्स ठीक है, और जो नंबर इसके नीचे उसका इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वन इंटू किया तो वन इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, बाकी आपका सॉल्व हो जाएगा ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, एक्स माइनस माइनस नंबर भेजा माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ गया बी प्लस ए अपॉन ए बी, एक्स से एक्स चला गया, यहाँ पे क्या है माइनस का ए माइनस का बी माइनस कॉमन लिया ए प्लस बी अपॉन में क्या आया ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू बी प्लस ए अपॉन ए बी। तो देखिए बी प्लस और ए प्लस बी बात एक ही है, दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का वन अपॉन ए एक्स मल्टीप्लाई कर दो इसमें कर देते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेजिए यहाँ पे देखिए
इसको इधर भेजिए क्या आएगा माइनस का ए बी, देखिए इसको इधर भेजिए क्या आएगा माइनस का ए बी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी को भी एक साइड लिया है प्लस का ए बी इक्वल्स टू जीरो। क्या किया मैंने माइनस ए बी को इस साइड ले लिया तो माइनस ए बी प्लस का ए बी होगा, फिर उसको मैंने एक अच्छे तरीके से लिख लिया। ठीक, अब अच्छे से देखिए ए बी इंटू एक्स का कोफिशियंट वन, ए बी इंटू वन करेंगे क्या आएगा ए बी, और यहाँ पे ए इंटू बी करेंगे क्या आएगा ए इंटू बी करेंगे ए बी, मतलब क्वेश्चन का फैक्टर भी आपके क्वेश्चन सोल्व करते करते निकल आए। अब क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ए बी के अंदर कॉमन क्या है एक्स, एक्स कौन आ गया एक्स प्लस ए, और बी एक्स और ए बी में कॉमन क्या है प्लस का बी, तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस ए, तो यहां से क्या आएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए आपके आंसर। जिस टाइप जहां कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले अपॉन अपॉन में तो आपको करना है एच वाले टर्म साइड कर देना फिर आपको सॉल्व कर देना है, बाकी काम आपका ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा। यस हटा दे बच्चों इसको, ठीक है हटाते हैं। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन करा रहा हूँ अब ये अल्फाबेटिकल वाले तो खत्म करते हैं, हर टाइप का करा दिया आपको, तो बाकी काम आपका है अपनी बुक उठा के कीजिएगा, जो क्वेश्चन में दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं नीचे। ठीक है ओके, अब इसके बाद क्या करना है आपको एक नया टाइप का क्वेश्चन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फाइव इक्वल टू थ्री वन अपॉन थ्री, इसके आगे कंडीशन दे रखी है एक्स नॉट इक्वल टू थ्री एंड फाइव, एक्स नॉट इक्वल टू थ्री एंड एक्स नॉट इक्वल टू फाइव, इसमें कंडीशन दे रखी है एक्स वैल्यू थ्री नहीं हो सकती फाइव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जब मैं यहाँ रख दूंगा एक्स वैल्यू थ्री माइनस थ्री क्या हो जाएगा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, अपॉन में जीरो अपॉन में जीरो वैलिड नहीं होता इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है। ठीक है, वो आपका लेना देना नहीं है उससे, अगर आपके जीरो में थ्री आ जाए एक्स वैल्यू फाइव है तो आपकी वैल्यू नहीं है एक्स की, बस इतना जान लीजिए। बाकी क्या करना है इसको सॉल्व करना है, इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, इसको सॉल्व करके जो इक्वेशन बननी क्वाड्रेटिक बननी तो क्वाड्रेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे, क्यूबिक बननी हो तो क्यूबिक तरीके से सॉल्व करेंगे, अभी आपका चैप्टर चला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो क्वाड्रेटिक ही बनेगी। ठीक, क्या करना है नीचे पहले एलसीएम एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव, जब नहीं समझ में आया तो क्या करें सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए एक्स माइनस फाइव को इधर भेजिए एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फाइव और प्लस एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री, ये क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको प्रॉब्लम क्या करते हैं थ्री इंटू थ्री प्लस वन, क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं और इसमें ये प्लस करते हैं थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन प्लस वन टेन अपॉन थ्री। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस फाइव माइनस फाइव एक्स, माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू माइनस फाइव प्लस का टेन, माइनस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री एक्स, माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन, क्या आएगा अपॉन में कर दीजिए मल्टीप्लाई एक्स इंटू थ्री है कोई नहीं है, एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फिफ्टीन इक्वल्स टू टेन अपॉन थ्री, और ऊपर सभी ऐड कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टू एक्स माइनस सेवन एक्स, यानी कि साइड माइनस सेवन एक्स, माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्या हो गया माइनस सेवन एक्स, माइनस सेवन एक्स एक और है माइनस सेवन एक्स माइनस सेवन माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस के फोर्टीन एक्स, माइनस के फोर्टीन एक्स, ये सब खत्म, टेन प्लस ट्वेल्व क्या हो जाएगा ट्वेंटी टू। ठीक है बच्चों, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 10 अपॉन 3, इसको हटाइए 3 को इधर भेजिए 10 को इधर भेजिए, तो 3 को जब इधर भेजेंगे तो 3 का हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, देखिए स्टेप कर ही देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 22 इक्वल्स टू 10, फिर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, इसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाई 3 टू जा 6x स्क्वायर माइनस 14 थ्री जा 42x प्लस 66 इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 150।
ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, सभी टर्म्स को एक साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पे जीरो रहेगा, इधर टेन एक्स स्क्वायर देख कर ही देते हैं, माइनस एटी एक्स प्लस 150, सिक्स एक्स स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर, माइनस का 42x को इधर भेजेंगे प्लस का 42x, प्लस 66 को इधर भेजेंगे माइनस का 66 इक्वल्स टू 0। अरे वो तो हमने ऑलरेडी लिख लिया, ठीक है इस नंबर को एक साथ लिख देते हैं, 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 42x 38 माइनस के 38x और 150 माइनस 60 चार नंबर 84 प्लस के 84 इक्वल टू जीरो कर लेते हैं एक बार, 150 66 10 में 6 गए 4 और इधर 14 में से 6 गए 8 ये आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बन गया आपकी, इसके बाद तो इसको सॉल्व करना आपका काम है, इसका कमेंट इसका आंसर जो है कमेंट में दे देना, आप कमेंट में देना मैं आपको बता दूंगा सही है या गलत है, इसको सॉल्व करना आपका काम है। मेन चीज थी ये सिखाना, ये चीज सिखाना, ये आपने सीख ली। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे, उसके अंदर यू और वी लेट करने वाला होता है वो और करा देते हैं। हटा दें इसको, देखिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, अगर आप लोग यहां तक आ चुके हो तो आप सच में बहुत ज्यादा अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, यहां तक आ चुके हो अगर आप एक बार में, क्योंकि वीडियो एक बार में देखनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट होते हैं एक बार में सेट होना चालू कर देते हैं। क्वेश्चन आता है 2 into 2x minus 1 upon x plus 3 minus 3 into x plus 3 upon 2x minus 1 equals to 5। देखिए ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप का है, इसमें क्या करना होता है सब कुछ अपॉन में, आप चाहो तो इसको उस तरीके से सॉल्व कर दो इससे पहले वाले से, क्योंकि उससे क्या होता है बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा पक्का आपका 1.5 पेज तो ले जाएगा, 1.5 ले जाएगा आपका कितना बड़ा रजिस्टर हो, 1.5 तो ले जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है स्पेशल तरीका है, प्रॉपर तरीका है, वो करा देते हैं, वहां से हो जाएगा आपका, आपको पिछले वाले तरीके से करना तो वहां से भी हो जाएगा, उससे कर लीजिए वो समझ में आए, उससे कर लीजिए ये समझ में, तो ये कर लीजिए, वैसे ये वाला देख लीजिए आप क्या करना है। जब आपको कैसा दिखे 2x minus 1 upon x plus 3 और इसी का ये उल्टा है x plus 3 upon 2x minus 1 दिख रहा है आपको, ये क्या है इसके नीचे है ये इसके ऊपर है, मतलब इसी का उल्टा है ये, तो क्या करना है आपको, लेट 2x minus 1 upon x plus 3 equals to y, एक नया वेरिएबल मान लीजिए, इसकी वैल्यू क्या है y है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू y है, ये क्या है उल्टा है, तो x plus 3 upon 2x minus 1 की वैल्यू क्या होगी 1 upon y है ना, इसका उल्टा ही तो है तो 1 upon y हो जाएगी। अब सही वैल्यू इसको पुट कर दीजिए, 2 into इसकी वैल्यू क्या है y minus 3 इसकी वैल्यू क्या है अपॉन में y equals to 5, ऐसे लेंगे 2y square LCM लेंगे, देखिए LCM भी दे देते हैं, अपॉन में क्या आएगा y, यहाँ के नीचे अपॉन में 1 होगा ना तो अपॉन में y आ जाएगा, y का इसमें इधर भेज दीजिए 2y square minus 3 into 1 करेंगे तो -3 equals to 5 क्या आ गया 2y square minus 3 equals to 5y, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए 2y square minus 5y minus 3 equals to 0, 3 का और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 के ऐसे फैक्टर है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ जाएगा लेकिन प्लस माइनस करने 5 आ जाएगा, क्या होता है 3 plus 2 ये तो होता है, तो 2y square minus 3 minus 1 का प्लस 2 into y minus 3 equals to 0, 2y square y को अंदर भेजे माइनस को भी इधर से भेजे तो -3y minus 2y minus 3 equals to 0, और यहां से क्या हो गया 2y minus 3y में कॉमन क्या है y को कॉमन ले लिया बाहर, y कॉमन ले लिया तो क्या हो जाए 2y minus 3 और यहां से क्या है कॉमन माइनस 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 का 1 कॉमन ले लिया 2y, कुछ गलती की क्या, ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा, 2y minus 1 लेंगे प्लस 3 आ रहा है इक्वल्स टू 0, देखो गलती की हमने 2y माइनस में ये चेक कर लेते हैं, हाँ माइनस में ही है,
क्वेश्चन तो पूरा का पूरा सही है, क्वेश्चन तो आपका पूरा का पूरा सही है। देखिए इसमें क्या मिस्टेक हुई है। देखिए बच्चों इसका क्या है, ये फैक्टर जो है इसके वैलिड नहीं हो पा रहे, कोई क्या वाला ब्रैकेट सही नहीं आ रहा है ना। आपको अच्छे से दिख रहा है, थ्री प्लस टू करने पे थ्री माइनस थ्री माइनस टू आई हो गया। फैक्टर तो सही किया आपने, आपने तो सही किए, लेकिन ये फैक्टर यहाँ पे वैलिड नहीं बैठ रहे। क्यों नहीं बैठ रहे? क्योंकि हमारा ब्रैकेट सही, ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा। हमने सबको सही किया है, आप इसके अंदर कोई गलती निकाल नहीं सकते। कोई गलती है नहीं तो निकाल कैसे दोगे, कोई गलती है नहीं। लेकिन हमारा फैक्टर सेम नहीं हो रहा, हमारा फैक्टर सेम नहीं हो रहा मतलब ये फैक्टर गलत है। मतलब फैक्टर तो वैसे सही है लेकिन ये फैक्टर यहाँ के लिए गलत है। यहाँ पे क्या फैक्टर है, कुछ अलग फैक्टर आएगा। यहाँ पे फैक्टर क्या हो सकता है, थ्री प्लस टू हो सकता है। एक फैक्टर क्या हो सकता है, सिक्स वाई माइनस वाई, ये फैक्टर हो सकता है ना, सिक्स वाई माइनस वाई। सिक्स वाई में से वाई करेंगे तो फाइव वाई आएगा ना, और सिक्स वाई इंटू वाई करेंगे तो मतलब सिक्स इंटू वन करेंगे तो सिक्स आ जाएगा। इस वाले फैक्टर को यहाँ पे पुट करते हैं। ये फिर कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे मेरा ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा, ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा मतलब यहाँ पे इसके फैक्टर में दिक्कत है। थ्री इंटू टू कर सकते थे लेकिन वहां से क्या हो रहा, हमारा ब्रैकेट सेम नहीं हुआ। तो ब्रैकेट की दिक्कत आ गई ना, हमको ब्रैकेट सेम करना है तभी हम आगे इसके बाद स्टेप फर्दर प्रोसीड कर सकेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट की दिक्कत है, इसको हटा दें। क्या किया हमने, अब इसमें दूसरे वाले पुट किए। दूसरा क्या है, सिक्स वाई माइनस वाई, टू वाई स्क्वायर माइनस बार सिक्स वाई माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। टू वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। कॉमन क्या है यहाँ पे, यहाँ पे निकाल देते हैं। टू वाई माइनस सिक्स वाई कॉमन क्या, एक तो वाई कॉमन आएगा और एक टू कॉमन आएगा। अंदर क्या बचा, वाई माइनस सिक्स वाई में से प्लस नहीं माइनस का थ्री, और यहां से कॉमन क्या आएगा, प्लस का वन। यहाँ पे क्या आएगा, वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। क्या बचा यहाँ पे, टू वाई प्लस वन, यहाँ पे आ गया वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और ये इसको आप सॉल्व कर लेंगे एक एक करके। तो टू वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, वाई की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू, और यहाँ से वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, वाई की वैल्यू थ्री। हो गया सॉल्व, कर दें वीडियो बंद, बताइए आप, बताइए हो गया सॉल्व ये नहीं हुआ, क्योंकि तो वैल्यू किसकी है, वाई की। निकालने किसकी, एक्स की वैल्यू में, एक्स की निकालने आई वाई की है। तो हमने ये वाई को क्या माना था, टू एक्स माइनस वन। वाई को क्या माना था, टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू वन अपॉन टू। टू को अंदर भेजिए, टू टू जा, फोर एक्स माइनस टू इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। फोर एक्स माइनस एक्स थ्री एक्स, एक्स को अंदर भेजेंगे ना, देखिए फोर एक्स, एक्स को अंदर भेजा माइनस एक्स इक्वल्स टू थ्री, माइनस टू को अंदर भेजा प्लस टू। फोर एक्स माइनस एक्स थ्री एक्स इक्वल्स टू थ्री प्लस टू फाइव। एक्स वैल्यू क्या आ गई, फाइव अपॉन थ्री, ये तो निकालनी थी। और एक एक्स वैल्यू यहाँ से आएगी कुछ, वो भी आप कर लीजिए सॉल्व। एक्स वैल्यू फाइव अपॉन थ्री आ गई, हो गया आंसर सॉल्व आपका। ठीक है बच्चों, हटा दें अब, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बस मैंने आंसर कंफर्म किया बुक के अंदर। अच्छा इसका एक आंसर और रहेगा, एक ये तो क्या वन अपॉन टू से हमने निकाल दिया। ये क्या एक्स वैल्यू फाइव अपॉन थ्री आई, एक्स इक्वल्स टू फाइव अपॉन थ्री। ठीक है, ये किससे, वन अपॉन टू से। अब क्या करना है, एक बार वाई पर टू थ्री आया तो टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री, और थ्री को इसमें भेजेंगे, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू थ्री एक्स प्लस नाइन, है ना, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ना। और इधर भेजा टू एक्स माइनस थ्री एक्स इक्वल टू नाइन, ये माइनस का है, इधर आगे प्लस का हो गया। तो टू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू टेन, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टेन। हो गई दोनों वैल्यू सॉल्व, निकले दोनों निकला है। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, ये कैसे पता चलेगा, ओ सॉरी ये कैसे पता चलेगा नहीं, और ये तो हमने बता दिया, कैसे पता चलेगा कि ये हमारे उल्टे होंगे तो हमारा ये वाई और वन अपॉन वाई का होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या, ये तो हाँ, ये तो हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है यहीं पे। अगर इस लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ओके बच्चों, और क्या, हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन के हमें फैक्टर नहीं निकलते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या, रामबाण है, रामबाण बोलते हैं या कोई एक होता है, याद नहीं, लेकिन आप समझ लो रामबाण होता है।
रामबाण होता है उसके अंदर क्या होता है उससे हर एक क्वेश्चन की फैक्टर निकलेगी, उसकी वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे जिसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम बताएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का दूसरा नाम भी सीधराचार्य फॉर्मूला, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम कराएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर ही आई थिंक दो वीडियो बन जाएंगी, उसके बाद आएगा वर्ड प्रॉब्लम और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स में दो तीन वीडियो बनेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म ठीक है, फिर एपी स्टार्ट कर देंगे।